योग करने से तो कितने फायदे हैं। योग करने वाला एक तो कभी भी बीमारी में नहीं फंसेगा, किस में नहीं फंसेगा, दूसरा कोई बुराई में नहीं फंसेगा, किस में नहीं फंसेगा, बुराई, बहुत तरह की बुराई आजकल समाज के अंदर। और इससे बड़ी बात है, योग करने वाले व्यक्ति के अंदर का सामर्थ्य जागृत हो जाता है, उसका नॉलेज, उसका स्ट्रेंथ, भीतर का पावर पूरा एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने कुलवंश का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपनी मातृभूमि का नाम, गौरव, यश बढ़ाता है। आप ऐसे ही यशस्वी बने। भगवान ने बिना किसी भेदभाव के हम सबको अपरिमित, अनलिमिटेड नॉलेज, पावर, स्ट्रेंथ सब कुछ दिया हुआ है, उसको हम जागृत करें। हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम भारत माता के प्रतिनिधि हैं, अपने पूर्वजों के ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के प्रतिनिधि हैं। हम इस धरती पर धर्म के, भगवान के, सत्य के प्रतिनिधि हैं और भगवान ने एक एक पिंड में, शरीर में, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां देकर के हमें धरती पर जन्म दिया है और अपने भीतर के देवत्व को हम जगा करके और जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल करें। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, ये तो जीवन का अनादर है, ये तो पाप है, अपराध है। बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जिए, बड़े सपने, बड़े सपने देखें और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पुरुषार्थ करें। मैं विश्वास रखता हूं कि आप सब बच्चे योगी बनेंगे, कर्मयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे और एक एक बेटा बेटी से अपनी शारदा मंदिर का ही नहीं, इस गुजरात की मातृभूमि का नहीं, पूरे भारत का गौरव बढ़ेगा, ये मैं आप पर विश्वास रखता हूं। वो आप में सामर्थ्य है, उसको जगाना है और जीवन में एक बड़ा मुकाम, बड़ी मंजिल आपको पानी है।